Life is short and we have never too much time for gladdening the hearts of those who are traveling the dark journey with us. Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations. द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन का लक्ष्य भेद करना देखकर पांडव जीवित रहने की बात दुर्योधन ने हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र और बाकी भाइयों को बताई। द्रौपदी से विवाह करने की बात जानकर कौरवों ने ईर्षित होकर पांडवों को मारने के लिए फिर से योजना बनाने की कोशिश की, परंतु पांडव जीवित रहने की बात जानने वाले हस्तिनापुर नगरवासी खुशी से पांडवों को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। ये बात ध्यान में रखते हुए शकुनि की सलाह से धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने द्रौपदी सहित पांडवों को वापस हस्तिनापुर बुलाने का निर्णय लिया। तुरंत विदुर को बुलाया गया और दुर्योधन ने अपना निर्णय बताया और पांडवों को वापस हस्तिनापुर लाने का काम विदुर को सौंपा गया। तुरंत विदुर द्रुपद राज्य जाकर पांडवों से मिलकर खांडवप्रस्थ राजधानी बनाकर इंद्रप्रस्थ पांडवों को देने का धृतराष्ट्र का निर्णय बताया। व्यास जी इत्यादि महर्षियों ने शुभ मुहूर्त में धरती नापकर शास्त्र विधि के अनुसार इंद्रप्रस्थ में राजभवन की नींव डालने की बात भी विदुर ने पांडवों को बताकर जल्द ही द्रुपद से विदा लेकर कुंती श्रीकृष्ण और द्रौपदी सहित पांडवों को हस्तिनापुर ला लिया और एक शुभ दिन युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया। एक दिन नारद मुनि पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ आए और उनको सुंद और उपसुंद की कहानी बताई कि एक समय पर सुंद और उपसुंद नामक एक दूसरे पर बहुत प्रेम प्रकट करने वाले दो राक्षस भाई ने अमर होने के लिए ब्रह्म जी की तपस्या की। किसी को अमरत्व का वर नहीं मिलने की बात ब्रह्म जी से सुनकर वे दोनों किसी और के हाथों में नहीं बल्कि एक दूसरे के हाथों से मरने का वर मांगा, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम प्रकट करते हैं तो दोनों एक दूसरे को नहीं मारेंगे और उनकी मृत्यु भी नहीं होगी। लेकिन इनके राक्षस कृतियों से पीड़ित देवताओं ने तिलोत्तमा को उनके पास भेजा, जिसके कारण वे दोनों झगड़ने लगे और एक दूसरे के हाथों में उनकी मृत्यु हो गई। ये कहानी कहकर नारद जी ने पांडवों के बीच ऐसा नियम बनाने को कहा द्रौपदी के कारण झगड़ा नहीं हो। तब पांडवों ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी और उनके एकांत समय में अगर कोई भाई आकुल डालेगा तो उसे 12 वर्षों तक वन में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा।